रोज ब्रश करने पे भी क्यों जम जाती है दांतों पे पीली परत। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि हम लोग ब्रशिंग तो रोज़ कर रहे हैं, फिर भी दांतों के ऊपर एक पीली पीली परत जमी रहती है, तो बताइए इसका क्या करना चाहिए। तो पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि ये पीली परत होती क्या है और क्यों होती है। तो जैसा ब्रशिंग तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम बताया कि रात को जो ब्रशिंग करना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ठीक से अलाइन नहीं है, तो हो सकता है कि आप सही ब्रशिंग तो कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर एंगल्स पे नहीं जा रही, जहाँ पे आपके सभी दांत ठीक से क्लीन हो पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे भी सिचुएशन होती है जिसमें काफ़ी लोग जो है वो ब्रश को सिर्फ ज़ोर ज़ोर से घिसते रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं करते कि जहाँ पे दांत मसूड़ों के साथ टच हो रहा है पीछे के दांतों पे, वहाँ पे ठीक से क्लीन नहीं करते हैं। ये जो ठीक से क्लीन नहीं करते, इससे प्लाक यानी कि एक पतली बायोफिल्म जम जाती है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे समय जाता है वो थोड़ी सी कड़क होके उसको कैलकुलस या पत्थर जैसे एक पीलापन आ जाता है, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि ये पीली परत बनती क्यों है। अगर आपने इसका इलाज नहीं किया तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें गम लूजनिंग यानी कि आपको आगे जाके पायरिया तक हो सकता है, तो इसको लाइटली मत लेना। तो सिर्फ ये कॉस्मेटिक इश्यू नहीं है, आगे जाके ये मेडिकल डेंटल प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो अगर आपको ये समझ गया कि ये पीली परत अब होती कैसे है, तो आइए समझ ले कि डेंटिस्ट इसको कैसे ठीक कर सकता है, और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि घर पे भी आप ऐसी क्या चीज़ है जो कर सकते हैं जिससे कि ये पीली परत निकाल पाए। तो जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो सिंपल एक अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग प्रोसीजर है, 1000 से 1500 रुपए में हो जाता है, 15-20 मिनट का काम है, जिसमें स्पेशल अल्ट्रासोनिक इक्विपमेंट से ये जो पीली परत है कैलकुलस है इसको पूरा क्लीन और पॉलिश कर देते हैं। टोटली पेनलेस प्रोसीजर है, और एज अ डेंटिस्ट मैं रिकमेंड करूँगा कि हर 6 महीने में सभी लोगों को ये प्रोसीजर करते रहना चाहिए फॉर रूटीन मेंटेनेंस। अगर आप घर पे ये पीली परत के ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑयल पुलिंग। फ्रेंड्स, ये काफ़ी लिटरेचर में भी बताया गया है कि अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो और कोई भी ऑयल मत लेना, वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है उसको एक 5 से 10 ml लेके अगर आप मुँह में स्विशिंग करते, स्विशिंग का मतलब है मुँह में घुमाते रहते हैं, स्वर्लिंग करते हैं और फिर उसे थूक देते हैं, तो इससे क्या होता है सभी बैक्टीरिया जो है वो खींच के बाहर आ जाता है, और इससे ना ही आपका गम का हेल्थ भी अच्छा रहता है, बट ये प्लाक का फॉर्मेशन, ये पीली परत का फॉर्मेशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। उसके साथ साथ आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बेकिंग सोडा जो है ये थोड़ा संभाल के इस्तेमाल करना है, उसको वाटर में डाइल्यूट करना है, कभी भी उसको ओवर यूज़ नहीं करना है, और हल्के हाथों से पहले आप मसाज करके फिर अगर उसके ऊपर ब्रशिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि दांत में एक हल्की वाइटनेस भी आ जाती है। ये जो मैंने नुस्खा बताया बहुत ही संभाल के करना, क्योंकि अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये हानिकारक हो सकता है, दांत को सेंसिटिविटी भी हो सकता है। तो अगर आप सिंपल टेक्निक चाहते हैं तो बेहतर यही रहेगा कि आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, डेंटिस्ट के पास जाइए, हर 6 महीने में ये पीली परत निकाल दीजिए, जिसके आपके दांतों की वाइटनेस बनी रहेगी, हेल्थ चेकअप भी हो जाएगा, और साथ साथ में आपकी स्माइल जो है वो खिली रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये जो दांतों के ऊपर पीली परत बनती है उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ये पूरी आपको मिल गई है। इसी तरह के हमारे वीडियोस आप तक लाने के लिए आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।